हेलो गाइज, आई एम बैक। हम आ गए फिर से। मैंने इंग्लिश को हिंदी में टर्न करके क्यों बोला मुझे नहीं पता, पर हम आ गए हैं फिर से एक और नया एपिसोड लेकर। जैसे कि तुम पीछे देख सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही होगी। यस, क्योंकि यार मैं ग्राइंड कर रहा था, क्योंकि लेक बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और इतना बड़ा एपिसोड मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने ऑफलाइन ग्राइंड किया और ग्राइंड करते करते ये चीज़ें खुल गई तो मैंने लगा दी, ठीक है। और मैंने और बड़ा बेस कर लिया तो मैं और तगड़ा लगा पाऊंगा। चलो मैं तो मैं दिखाता हूँ भाई, लेक कितनी सुंदर दिख रही है। अभी पूरी नहीं बनी है पर बनने वाली है। तो यार देखो भाई, लग रही है ना ऑसम, ऑसम लग रही है ना भाई। मेरा पहला एपिसोड जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा ये प्लेनेट कैसा था और मैंने कैसा कर दिया है, ठीक है। ये तुम्हें हरा हरा दिख रहा है ना, ये मैंने एल्गी लगाया है। मैं अभी सेकंड T2 टीयर की एल्गी लगाने वाला हूँ। ये T1 टीयर की एल्गी लगी हुई है, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये मेरे को और बनाना है, अभी बेस पूरा नहीं बना। ये देखो भाई, ये ऑक्सीजन पैदा करता है बहुत सारा। यहाँ देख सकते हो तुम, ये मैंने लगा रखे हैं टोस्का सीड्स और एक है कौन से, नुलना सीड्स। नाम भी कितने सही है, टोस्का नुलना, ठीक है। एक यहाँ बना दिया मैंने क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए था। ये अपनी बायोमास लैब से मैंने ना कनेक्ट कर दिया बायोडोम को। दूसरा जो है ना, ये यहाँ पर लगा दिया मैंने। ये देखो, ये भाई दो हो गए खतरनाक, और इन दोनों में ना नुलना नुलना लगे, टोस्का थे नहीं। और यहाँ पर देखो लेक, यार थोड़े टाइम में ना पूरी होने वाली है और नेक्स्ट स्टेप आने वाली है। अब स्टेजेस ना यार हमें सोच समझ के कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्टेजेस ना बहुत बड़ी होने लगी हैं और कुछ ही देर में ना मेरा 50, एक मिनट पानी पी लूँ मैं। पानी की कमी अब नहीं होती है गाइस अपने पास। जैसे कि मेरे को देखो यहाँ जाना है, इधर गया मैं, इधर से ना ये नीचे ही पानी है अपने पास ये। और भाई अपन ने ना पूरा मतलब अपना अपग्रेड कर लिया पूरा सूट, मतलब सूट तो नहीं, ये जो जेट पैक है ना वो अपना बहुत फास्ट कर लिया। ये देखो, और है ना यहाँ मैंने एक मशीन भी लगा दी है, यहाँ से मैं डायरेक्ट ना ये सब चीज़ें कलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, ये पूरी है ना उठाया और ये जा रहे। अभी तो यार एक काम करता हूँ मैं ना, मेरे को थोड़े से ना ये बेस भी बड़ा करना था, तो मैं वही काम कर लेता हूँ पहले। तो कैसे करते हैं अपन बेस बड़ा, यहाँ से ये। और मेरे को आज बहुत सारी चीज़ें भी लगानी है यार। ये देखो इधर रह गया एक, कोई था नीचे ले जाएगा तो मैं नीचे से लगा दूंगा उसको। यहाँ पर थोड़ी सी ना ये एडवांस T3 की मशीन लगा दी, ऑक्सीजन देगा, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन ना बहुत सारा चाहिए। और एक और चीज़ गाइस, ये तो दिखाना ही भूल गया मैं। अरे एक मिनट, मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ ये देखो गाइस, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है T2 लेवल का, ठीक है। ये हमें काफ़ी ज़्यादा बिजली दे रहा है, ये देता है लगभग 350 बिजली, और ये देते हैं आई थिंक 100 कुछ देते हैं, 95 कुछ। तो भाई वो इतने बड़े मैंने लगा दिया है अपने पास। देखो बिजली की कमी अभी नहीं होने वाली है, 176 है। पर ऐसे T2 ना मेरे को और भी लगाने रहेंगे, तो यार मेरे को यूरेनियम की बारिश करानी पड़ेगी उसके लिए। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक बार चेक करें अपन। सब कुछ होता जा रहा है और मेरा नेक्स्ट खुलने वाला है ये T5 का बैकपैक खुल चुका है। ये मैंने फ्लावर पॉट भी लगा दिया, तो मैं अगर नहीं दिखाया हो तो ये देखो गाइस, ये कितना क्यूट सा दिख रहा है। यहाँ फ्लावर पॉट लगा हुआ है अपना, क्योंकि मैग्नेट पे उड़ रहा है आई थिंक, तो ये भी ऑक्सीजन देता रहता है। ओके गाइस, अब हम निकल लेते हैं अपने सुपर अलॉय ढूंढने। और मुझे पता है सुपर अलॉय कहाँ मिलने वाले, वहाँ वो जिस जगह दिख रही है ना वहाँ पर मुझे सुपर अलॉय मिलने वाले हैं। और अपने पास तो अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ गाइस, इसके नीचे ना अलगी होती है। ये देखो ये अंडर वाटर, ये दिख रही है ना, ये सब अलगी हैं। तो अभी तो मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह फुल हो जाएगी। ये रहा, वो देखो एक और मिल गया, और दो रखे हैं इनफैक्ट। नाइस भाई, ये जगह मुझे बहुत सही पसंद आई है यार, यहाँ काफ़ी सारे सुपर अलॉय मेरे को मिल जाते हैं। आई होप ये रिस्पॉन होते रहते हो। अभी मैं सारी चीज़ें उठा लेता हूँ और निकलता हूँ। आज अपन और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, तुम देखना अभी जाके पता चलेगा तुम्हें। अब बोलो गाइस, हुआ ना बेस बड़ा, ऑसम। अब यहाँ और भी चीज़ें बनेंगी, अभी ऐसे ही बड़ा नहीं हो। ओके, लेक वाटर कलेक्टर आ गया है अपने पास, पर मेरे को ये देखना पड़ेगा वो लेक वाटर कलेक्टर देता क्या क्या है। मैं ये लेक वाटर कलेक्टर यहाँ है कहीं, ये रहा, ये एनर्जी कंज्यूम करता है और फिल्टर वाटर कलेक्ट करता है, ठीक है। पर अभी नहीं कलेक्ट कर रहे हम, और पहले मैं पानी पी लेता हूँ और ज़रा देख लेता हूँ मेरे को करना क्या था। स्प्रेडर ये बनाना है मुझे, इसके लिए दो वाटर बॉटल चाहिए, मिल जाएंगी। फर्टिलाइज़र चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए। फर्टिलाइज़र तो ये रहा, यहाँ तीन एल्गी चाहिए। ओके, सब कुछ है अपने पास। एल्गी तो मैंने बहुत सारी कलेक्ट करके रखी हुई है, तो ये तो हो गए। और एक सल्फ़र चाहिए अपन को, तो मिल जाएगा मुझे। पानी की बोतल रख लेते हैं। बैंगन और भी है भाई, बैंगन एक दो। वो मीटियोर शावर हो रहा है, नहीं हीट वेव आई है।
कि मेरे को लग रहा है दो फर्टिलाइजर बना सकता हूँ मैं। लेट्स सी, हीट वेव आ रखी है, एक दो, अब नहीं बनेगा, बस इतना ही बन सकता था तो मैंने बना लिया। ठीक है, और अब बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए मेरे को? एक मैग्नीशियम और दो पानी की बोतल। ठीक है, एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो इधर पड़े होगा भाई बहुत सारा, एक मैग्नीशियम, एक मिनट देखने देना ज़रा, दो बना सकता हूँ क्या? हाँ बना सकता हूँ, वैसे दो मैग्नीशियम ले लेता हूँ। और पानी की बोतल मुझे काफ़ी सारी चाहिए, लाइक एक के लिए कितनी चाहिए पानी की बोतल? तीन, तो मतलब और चाहिए अभी, पाँच पानी की बोतल और चाहिए। देखते हैं गाइस, पाँच, अगर मेरे को पाँच तो नहीं मिलेंगी, चार मिल जाएंगी, पर इसमें से ये चार मिल गई तो एक तो बना देते हैं, एक और आ जाएगी जब एक और बना देंगे। भाई हीट वेव आके चली गई है, तो यहाँ अपन उगाते हैं थोड़े से फूल, क्या बोलते हो? अगर बेस यहाँ तक तो नहीं आएगा, मैं इस साइड बेस नहीं बढ़ाने वाला हूँ, तो यहीं उड़ा देता हूँ, बेस उस साइड ही बढ़ने वाला है, पूरा हवा में रहेगा बेस अपना। तो यहाँ पर अपन रेडर लगाते हैं, काफ़ी जगह ले रहा है भाई ये, नाइस, अच्छी बात है ये। हो गया एक स्प्रेडर, अभी देखते हैं गाइस, एक और बनाना है हमें, तो एक और पानी। ओके फ्लावर ऑन, और अच्छा पहली बार फूल उगेंगे, पता नहीं कैसे उगेंगे, देखेंगे यार। एक पानी की बोतल और मिल जाए मुझे, मज़ा आ जाएगा। आइस तो गाइस अब नहीं मिलती है, सही बताऊँ तो आइस अब नहीं मिलती है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ये कैसे बना सकता हूँ। पानी की कमी तो होगी, इसके लिए मेरे को तीन बायोप्लास्टिक नगेट चाहिए। ओके तो मैं बना लूँगा, बाकी और एक और चीज़ देख लूँ मैं यहाँ पर, यूरेनियम की मेरे को नीचे बारिश करवानी है, तो वो मैं करवा लूँगा। और मैं सोच रहा हूँ एक आध और ये लगा दूँ, इससे ना ऑक्सीजन बहुत बढ़ रहा है गाइस। फ्लावर स्प्रेडर नहीं लगा रहा हूँ यार मैं पहले अलगी पैदा कराता हूँ, रुको, ऑक्सीजन आएगा ना उससे काफ़ी। दो बायो प्लास्टिक चाहिए मेरे को, और मुझे लग रहा है यहाँ रखे हुए हैं वो, एक एक दो तीन, देखते हैं। और बायो प्लास्टिक मैं बना भी सकता हूँ, पता नहीं कैसे बनाते हैं, चेक करता है। ये रहा बायो प्लास्टिक, इसके लिए दो मशरूम चाहिए और एक सिलिकॉन चाहिए, मेरे पास मशरूम नहीं है। शिट, मेरे को ना बहुत सारी ट्रीज उगानी पड़ेंगी गाइस, देख रहे हो, मतलब इजी नहीं है यार ये। एक मशरूम है मेरे पास, ये खाने के लिए ले लेते हैं। बायो प्लास्टिक इतने लेके तो आया था मैं, मैंने कहाँ यूज़ कर लिया है। ओह मज़ा आ गया, सिलिकॉन और ले जाता हूँ, कहाँ गया सिलिकॉन, अरे मज़ा आ गया मज़ा। ये बन गया बायो प्लास्टिक, नाइस। अपन टी टू लगाने वाले हैं, टी टू यहीं लगाते हैं पास में ही। ये रहा टी टू, और काफ़ी स्पेस ले रहा है, बढ़िया है भाई। चलो ये भाई पहली बार टी टू का लग गया है, अभी इसमें से उगेगी अलगी, अभी नहीं उगी है तो अपन पुरानी अलगी लेके आ जाते हैं। वो जो ट्यूब सिग्रीन है मेरा, देखो ये नीचे, इसके अंदर अब जाऊँगा तो मेरे को ऑक्सीजन मिलेगी क्या? मैं चेक करूँ, अब नहीं मिलेगी गाइस, ये ख़त्म हो चुका है अपना, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बहुत बहुत ज्यादा दिया उस कैबिन ने, पूरा कलेक्ट कर लेता है, ये भी कलेक्ट कर लेता है। ये अलगी है गाइस, और ऐसे ही पानी में ही उगती है ना अलगी, अलगी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन जैसे काई काई बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन देने में बहुत काम आती है वो। एक वाटर कलेक्टर भी ले लूँ क्या, बना डालू कैसे? नहीं यार मेरे को बायोप्लास्टिक नगेट बनाने पड़ेंगे, उतना नहीं कर रहा अभी मैं, एक्सप्लोर भी करना है आज अपन को। और मेरे को ना बनाने हैं ये, और बना सकता हूँ T3 के हीट अभी के लिए, है ना। इरिडियम रॉड चाहिए मेरे को बस, उसके बाद मैं बहुत सारे बना सकता हूँ। इरिडियम मेरे पास है कितने, एक बार चेक करूँ, दो रॉड्स हैं गाइस, बना देता हूँ दो, है ना। और एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन चाहिए, दो दो दो, लेट्स गो, कलेक्ट करते हैं अपन। सिलिकॉन दो, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम दो, बस दो एल्यूमिनियम है तो मेरे पास, हो गया ना। अरे बहुत सही यार, चलो भाई ऊपर मैंने पूरा चैम्बर बना रखा है इसका, अभी अपन बनाते हैं यहाँ पर, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है यहाँ बनाते हैं अपन, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। अरे यार ये गलत हो गया क्या, डन। ओके अब तो भाई काफ़ी ज़्यादा, अब मेरे को चाहिए यूरेनियम की खदान, यूरेनियम चाहिए अपन को, और ये भी उगाना है मेरे को काफ़ी सारा, तो ये बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं अपन। T2 वेजी ट्यूब नहीं, ये फूड ग्रोअर के लिए मेरे को चाहिए बस एक आयरन, और एल्यूमिनियम तो है, लेट्स सी, चेक करते गाइस एक बार।
ले, एल्यूमिनियम है मेरे पास फूड ग्रोअर के लिए, मेरे को चाहिए आयरन, एल्यूमिनियम और वाटर बॉटल, आयरन एल्यूमिनियम और वाटर बॉटल, तीन वाटर बॉटल है, तीन एल्यूमिनियम तीन आयरन चाहिए, एक दो तीन, और तीन आयरन चाहिए, एक दो, ये नहीं आयरन अब नहीं है, आयरन मैंने सारी यूज़ कर लिया ना एक्चुअल में, पर मेरे को पता है नीचे मिल जाएंगे मुझे। इधर ओवर एक्सट्रैक्टर मैंने इसलिए पास में लगाया, ये छोटे मोटे मेटल ना मेरे को यहीं से मिल जाए। देखो आयरन तो बहुत सारा मिलता रहेगा भाई ये ओवर एक्सट्रैक्टर से, पर मेरे को और भी ओवर एक्सट्रैक्टर लगाने अभी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर और खाने का, पहले एक मिनट भटे वटे लेके आते हैं थोड़े। इधर आओ, मेरे को मशरूम चाहिए, भटा चाहिए, भटा चाहिए, ओके भटा ज़्यादा चाहिए एक्चुअल में। लेट्स गो, अब यहाँ बनाते हैं अपन फूड ग्रोअर। हो गया, इधर भी बना देता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे करके, ये इधर रख देते हैं, मशरूम, भटा, भटा। आई होप मैं ऊपर कनेक्ट कर पाऊँ, पता नहीं कैसे करेंगे पर देखेंगे। यूरेनियम के लिए मेरे को चाहिए कोबाल्ट, मेरे पास है दो सुपर अलॉय और रॉकेट इंजन, सब कुछ है मेरे पास भाई, सब कुछ है। ये रहा अपना यूरेनियम का, आई लाइक इट। अब देखो गाइस यूरेनियम की बारिश, जाने देते हैं इसको ऊपर, लेट्स गो, और यूरेनियम की बारिश होने वाली है अभी। जल्दी से यार लाइक कर दो भाई, अपना इसरो का रॉकेट जा रहा है यूरेनियम का, तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है अभी तक। तो चलो भाई ये रॉकेट पहुंच गया ऊपर, और देखो मौसम हो गया है चेंज, और वो आ रहा है यूरेनियम, ये देख लो गाइस खतरनाक। ओके दूसरा भी वहीं आ रहा है, मैं जाके कलेक्ट करता हूँ। अरे पानी के अंदर क्यों गिर रहे हैं यार, पानी के अंदर से कलेक्ट करने पड़ेंगे भाई ये तो। ये देखो यूरेनियम गाइस देख रहे हो, ये यूरेनियम ही यूरेनियम। नाइस भाई, आ जाओ सारे आ जाओ यूरेनियम, ऐसे बारिश होती है गाइस यूरेनियम की। ये रहा ये, इसको कैसे कलेक्ट करूँ मैं, हाँ कर सकता हूँ, दस पीस तो दिया है उसने मुझे, एक ही गिरा था दूसरा भी गिरा था ना, एक और है यहाँ कहीं, हाँ ये रहे ये रहे ये रहे, नहीं नहीं ये क्या दिख रहा है, अच्छा ओके ये तो है जहाँ गिरा था, कहाँ गया यार, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई। हो रहा एक दिख गया और नीचे गिर गए क्या, और यूरेनियम कहाँ है भाई, पांच छह आते कम से कम। ओके नो वे, इतने से तो नहीं होगा काम, और यूरेनियम होने चाहिए थे वो रहे, आई न्यू इट, ये रहे। और भाई अच्छा चमक के दिख जाते हैं ना, नहीं तो मैं तो ढूंढता ही रह जाता। अभी पता नहीं और भी कहाँ है, वो देखो वो रहे, ऐसा दूर से दिख जाता है ना तो बहुत सही रहता है। ये आ गया मैं, यहाँ से रॉड बना लेते हैं अपन दो, अब बस इतनी बना सकते हैं अभी ना। मैं तुम्हें दिखा के आता हूँ एक जगह, और मैंने एक्सट्रैक्टर लगाया है ये केव में, वो भी दिखा के लाता हूँ मैं तुम्हें, रुको। ये देखो इस बार पहले यहाँ लगा था ना मैंने, और अंदर कर दिया, जहाँ ऑस्बियम मिलता है ना वहाँ। वैसे कुछ एक्स्ट्रा निकल नहीं रहा है उससे, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद बड़ा वाला मेरे को लगवाना पड़ेगा, पर अभी के लिए तो देखो ये लगा दिया मैंने, इससे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं निकल रहा है। आयरन सबसे ज़्यादा निकल रहा है, और ये आयरन क्यों दिखा रहा है यहाँ पर क्या पता। अच्छा एक अभी जो नेक्स्ट निकल रहा है वो भी आयरन है, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया जिससे ये सामान बढ़ता रहेगा। ऑस्मियम अगर यहाँ से और अच्छा नहीं निकला ना कुछ, लाइक T2 भी लगा के देख लेंगे अपन जब भी आएगा, अगर नहीं निकला ना तो फिर मैं कहीं और लगाऊंगा। और क्या क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं अपन, क्योंकि मेरे को बनाना है बड़ा वाला ये, और इसके लिए चाहिए एक्सप्लोसिव पाउडर जो कि मेरे पास है, एक सुपर अलॉय मिल जाएगा। ये रहा एक्सप्लोसिव, इसमें है, इसमें हो गया, और एक और क्या चाहिए था, पानी की बोतल है ना, डन।
चलो गाइस, अब बनाने का वक्त आ चुका है एक और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, क्योंकि मेरे को भाई बिजली की बहुत ज़्यादा है ज़रूरत। और ये रहा पानी की बोतल, ये भी ले लेते हैं, लेट्स गो। ये नीचे वाला तोड़ दूंगा कैबिन में, बहुत पहले का बना हुआ है ये, क्या इधर ऊपर बनाएंगे, यहीं बनेंगे सारे रिएक्टर्स, तो लेट्स गो। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा बना के ना उसके अंदर कर दूँ ये सब मैं, पर अभी ठीक है, अभी तो मैं बना देता हूँ, बाद में मैं सब कर लूँगा। ये तो क्या कम हो रहा है मेरे पास। ओ भाई, पानी की बोतल में उसमें रख के आया हूँ क्या भाई बुद्धू सा। ओ वाओ वाओ, आई एम टू गुड। चलो न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया जाए, बहुत बड़ा वाला। देखो गाइस, अब तुम बिजली देखना, अभी 50 कुछ बची थी ना, अब तुम देखना। लो आ जाओ भाई, अब बिजली देख लो तुम, 372 हो गई है दोबारा। और भाई अभी देखते हैं अपन, बहुत जल्दी देखो बायोमास कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है अपना। आई होप बायोमास इंक्रीज होगा ना जितनी जल्दी, उससे अपनी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, पता है बायोमास लैब के अंदर। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो 150 हो गया ना, अब ये देखो ये बढ़ रहा है ना, नेक्स्ट खुलने वाला है 80 अच्छा टन हो जाएगा जब खुलेगा। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा देर से खुलेगा, ठीक है कोई सा तो होगा जो केजी पे खुल जाएगा। ये खुलने वाला है केजी पे, प्लांट रॉकेट, यस ये खुल जाएगा ना तो काफ़ी फ़ायदा होगा, फिर 500 पे खुलेगा। मैं ये रॉकेट छोड़ दूंगा अलगी वलगी का, बैक्टीरिया का, तो आउटर स्पेस से ना आएंगे। और ये 175 पे खुलने वाला है, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी और नीचे क्या है, 50 केजी पे ये खुल जाएगा। ये खुला क्यों नहीं है पर अभी तक, अच्छा अभी नहीं खुल सकता है ना, ये बाद में एक साथ खुलेंगी ये सारी चीज़ें, मेरे को समझ आ रहा है ये। ओके यहाँ पर ये कब खुलने वाला है, 175 केजी पे प्लांट रॉकेट खुलने वाला है, ये तो सब 10 पे खुलने वाला है, ये फिर 500 पे खुलने वाला है स्प्रेडर। ठीक है कोई नहीं, हम सोच रहे हैं एक और ऑक्सीजन का लगा दें तो ये PPM भी और जल्दी बढ़ेगा फिर। अभी देखो ये खुलने वाला है ना, ये कितने पे खुलेगा, MTI 70 MTI पे, और मेरा कितना हो चुका है 60, तो ये भी खुल जाएगा। ये क्या है, मशीन ऑप्टिमाइजर, पर ठीक है मेरे को सबसे मेन तो ये चाहिए 63 PPV पे, क्योंकि अभी नहीं खुलने वाला है जल्दी तो। ओके कोई नहीं, हमारा वो प्लांट स्प्रेडर खुल जाएगा ना तो मेरे को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो यार अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चलते हैं, जब तक कि प्लांट ये सब खुलेंगे तब तक। इसमें सिर्फ यूरेनियम आएगा भाई, फालतू पंगा नहीं। ओके और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मैं एक बड़ा सा कैबिन बनाने का, जो कि है ये वाला, ये दिख रहा है ये, पर इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी लग जाएंगी, लाइक 200 पर अलॉय लग जाएंगे बस, और ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लगने वाली हैं। मैं सोच रहा हूँ ना इनमें से बीच में से 4 कैबिन तोड़ूँ, लाइक 1, 2, 3, 4, और ये बड़ा वाला कैबिन बना दूँ। ठीक, ट्राई करके देखें क्या, एक बार देखते हैं ऐसा हो सकता है क्या। 1, 2, 3, 4, 5 है, और पर अलॉय कितने चाहिए, 1, 2, 3। अब देखें ज़रा कितने में बनता है, 200 पर अलॉय। तो अब मैं ट्राई करता हूँ, क्या क्या हुआ। ओके कुछ तो कर दिया मैंने। ओके यहाँ से ये वाला भी तोड़ने वाला हूँ, और ये वाला तोड़ने वाला हूँ, और ये वाला तोड़ने वाला हूँ। अब मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, पहले मैंने राउंड शेप कर दिया वैसे देखा जाए तो, ये देखो ये इधर से ऐसे, पर मैं बाहर निकल के चेक करने वाला हूँ मैं कहाँ से जाऊँ बाहर। अरे यार फूड लेवल लो चल रहा है, एक मिनट में खा लेता हूँ मैं जल्दी से जाके ऊपर। एक तो यहाँ से नहीं चढ़ सकते हैं, ये सब निकाल लेते हैं। ठीक है अपन ये खा लेते हैं अभी के लिए, और बाकी सब ना इधर डाल देते हैं, ये सब ज़रूरत पड़ती है इसकी, और इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। पता नहीं मशरूम और भट्टे कैसे ज़िंदगी में जिंदा है अभी तक। देखो यहाँ से ये 4 कैबिन मैंने तोड़ दिए अभी, ठीक है, और इसकी जगह मैं बनाने वाला हूँ एक ये कैबिन। अब मैं नीचे जाके देखने वाला हूँ कि क्या अंतर आया है उसमें, जब मैंने वो बड़ा वाला कैबिन बना दिया है तो एक बार चेक करके आते गाइस, क्या पता कैसा लग रहा है। वो भाई बहुत सही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है यार। देखिए ठीक है यहाँ पर ये बना है, बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, नाइस बे, बहुत ज़्यादा सही। मेरे को ये 4 तोड़ने चाहिए थे और ये 4 तोड़ने चाहिए थे यार, शिट। कोई नहीं मैं कर सकता हूँ वैसे,
बाद में कर सकता हूँ मैं। हाँ ये बहुत सही रहेगा, ये बहुत बड़ा हॉल बन जाएगा। बहुत सही यार, ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। ओके ओपन हो गया गाइस, अब अपन देख के आते हैं अपने रॉकेट में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पर पहले उससे पहले मैं एक स्क्रीन बनाना चाहता हूँ। आयरन, दो सिलिकॉन और कोबाल्ट। आयरन, दो सिलिकॉन और कोबाल्ट। आयरन, दो सिलिकॉन। चलो एक यहाँ भी बनानी चाहिए मेरे को, ऐसा लग रहा है ना। ये बढ़िया है, अब ज़्यादा बेटर है। दो तीन जगह देखना चाहिए, मॉस कितना परसेंट। ओ 9 पॉइंट, अच्छा मैं 91 सोचा पहले तो, पर ठीक है अभी मैं चेक करके आता हूँ। भाई हीट वेव तो बहुत आती है, ये तो कुछ तो इसको करना पड़ेगा, पर अभी शायद मेरे को ज़रूरत भी हीट वेव की। ये अरे यार नहीं, ये नहीं है। मैग्नेटिक प्लांट रॉकेट, लिग्मा सीट चाहिए, ट्री बार्क चाहिए, ये कैसे बनेगा। सुपर अलॉय चाहिए और रॉकेट चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए। इसको मेरे को हटाना चाहिए था, यहाँ ट्री बार्क आएगा। ओ भाई मैं फालतू लगा के रखा हूँ इसे, यहाँ से तो कलेक्ट नहीं करते कहीं। अब तो बढ़ रहा है भाई बायोमास, तो भर भर के बढ़ रहा है। 200 पे शायद कुछ और भी ओपन होने वाला है मेरा, 200 केजी पर तो को देखने दो, नहीं 500 केजी पर। अरे बहुत जल्दी जल्दी अनलॉक होगा यार, अब फिर मेरा फूड ग्रोवर T2 आ जाएगा, फिर ट्री स्प्रेडर, अरे वाह मज़े आ जाएंगे। T5 हीटर आ जाएगा, पर ये क्लो 10 पे आएगा। कोई ना, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। मेरे को रास्ता पता है, मेरे को एल्यूमिनियम काफ़ी सारा लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बहुत रेयर मेटल भी मिलता है जो पल्सर करके कुछ नाम है उसका, एल्यूमिनियम भी मिल जाता है मेरे को लग रहा है यहाँ। और मेरे को सल्फर भी उठा लेना चाहिए, सल्फर भी मिल जाता है यहाँ। और एक पल्सर क्वार्ट्ज करके मिलता है यहाँ। ओके अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ये क्या है, आयरन है, आयरन नहीं चाहिए। ये चाहिए एल्यूमिनियम, लिर्मा सीट चाहिए, इनफैक्ट सब कुछ रख लेता हूँ मैं अभी, और इसको हटा भी देता हूँ यहाँ से। इधर कुछ नहीं है, ये नहीं चाहिए। तो कैसा कलर चेंज हुआ ना, ये चाहिए भाई, ये ही तो चाहिए। और ये क्या है, टाइटेनियम, भाई कैसा चमक रहा है, वैसे सही चमक रहा है टाइटेनियम। ओके मेरे को एक और चीज़ दिख गई है, यहाँ एल्यूमिनियम है काफ़ी सारे, मतलब 3 तो दिख रहे हैं, सारे उठा लेते हैं, ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने एल्यूमिनियम। वो क्या आइस है, वो इतना चमक रहा है जो, नहीं एल्यूमिनियम ही है। जियोलाइट, ओ भाई ओ जियोलाइट मिल गया, वेट बे बहुत रेयरली मिलता है ये। ओ भाई एक और चीज़ चाहिए बस, जियोलाइट तो मिल गया, एक रॉड चाहिए रहेगी मुझे बस। अरे ये क्यों उठा लिया मैंने भाई, पर कितने ध्यान से देखने पे वो चमक रहा था, मैं तो समझ रहा था ऐसी कुछ है, मतलब यहाँ जियोलाइट मिल सकता है पर बहुत रेयर है वो, तो बहुत ही रेयर मिला मेरे को ये रहा। ओहो मज़ा आ गया, पता नहीं अभी तो जियोलाइट का इतना यूज़ नहीं है पर मेरे को मज़ा आ रहा है भाई, जियोलाइट मिल रहा है मेरे को। ये नहीं चाहिए, ये क्या है, कोबाल्ट भी नहीं चाहिए भाई, हर चीज़ ना चमक रही है अब तो बहुत ज़्यादा जोर से। ये जगह ही इतनी सुंदर है क्या बताऊँ। ये उठा लेता है, मैग्नीशियम के उठा लिया, ठीक है फेंक दूंगा मैं अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो। ये भी नहीं चाहिए, वहाँ पर एक बॉक्स है। ओ भाई रॉड पड़ी है इसमें, वो बताओ रॉड नहीं आई, बाकी सब आ गया। हटा दो मैग्नीशियम भी हटा दो, जियोलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा भी मत देना भूल कर भी, ठीक है ना, ये सब हटाओ। जियोलाइट तो क्या चमक रहा था, और ऑक्सीजन लेवल हो डन। यहाँ से अभी नहीं जाने वाला, मेरा बैग अभी खाली नहीं है। ये मैं गोली वो जो भी चेरी वेरी है ना वो फेंक दूंगा मैं। जियोलाइट मिल रहा है यहाँ से मुझे, वो रहा एक और जियोलाइट भाई। यहाँ तो अब तो अभी आए ये, पहले नहीं थे यार, पहले नहीं थे ये, टाइम के साथ स्पॉन होना स्टार्ट हुए, एनवायरमेंट में जो चेंजेस अपन ने किया ना उस चक्कर में स्पॉन हुए शायद तक। देखो ना अभी तो कितनी जल्दी मिल रहे मेरे को जियोलाइट, ऐसे ही करके धीरे धीरे मेरे को ना अच्छे अच्छे आइटम मिलेंगे। ये मैंने स्पॉन कराए गाइस। ओके तो यहाँ पर और एल्यूमिनियम है जो कि मेरे को चाहिए,
और अब देखो, अब मेरे को पल्सर नहीं दिख रहे, वो पल्सर ग्रेनाइट जो भी नाम था, पल्सर क्वार्ट्स, अब जियोलाइट दिख रहे हैं मेरे को। इन्वेंटरी फुल हटो, और क्या हटा सकता हूँ मैं? ओके चलो, अब मेरे को यार थोड़ा सा ना सल्फर भी चाहिए था, जो कि मेरे को नहीं मिल रहा है भाई। जियोलाइट तो बहुत है गाइस, मेरे को अब पता है जियोलाइट मेरे को कहाँ मिलेंगे, तो मेरे को कहाँ आना है। ओ भाई बहुत सारे हैं, पहले पल्सर क्वार्ट्ज से अब जियोलाइट है। ओके ये देखो मेरे को एक चीज़ मिली है, वैसे ये उठा लेते हैं अपन, एक यूरेनियम उठा लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें, बाद में उठाएंगे बाकी। ओके यहाँ से मैं बाहर निकल गया हूँ ना, तो गाइस अब चलते हैं अपन वापस, क्योंकि इतना ही चाहिए था अभी के लिए। मेरे को क्वार्ट्ज मिल गए, मेरे को बस अब कैसे भी करके ना गैस एक्सट्रैक्टर, क्या आ गया, मशीन ऑप्टिमाइजर आ गया ये। ओके पल्सर क्वार्ट दिख गया मेरे को एक और, भाई ये स्पॉन होते रहते हैं अपने आप, अगर मैं यहाँ रुका रहता ना तो मेरे को मिल जाएगा कुछ ना कुछ स्पॉन होके। यहाँ पर कुछ है जो मैं फेंक सकता हूँ, जैसे कि ये, और ये उठा सकते हैं, और यहाँ से निकलते हैं। अब नहीं रुक सकते अपन ज़्यादा देर यहाँ पर, अब शायद मैं डायरेक्ट ऊपर जा सकता हूँ क्या, एक बार चेक करके देखता है। ओके जा सकता हूँ, शायद जा सकता हूँ। नाइस, प्लीज प्लीज, थोड़ा सा बच रहा है, आ गया मैं ऊपर। ओके भाई सुपरमैन की तरह जा रहा हूँ मैं तो ऊपर। ओ नाइस भाई, इससे ना अपन डायरेक्ट अपने घर पहुंच जाएंगे, ये हुई ना कोई बात, यही तो चाहिए रहता है भाई, यही तो चाहिए रहता है बस। देखो वहाँ भी पानी हो गया गाइस, बर्फ़ पिघल के, उधर भी मेरे को जाना पड़ेगा देखने, क्योंकि हो सकता है ना नए नए मेटल वापस आ गए हो, जैसे अभी देखो जियोलाइट आ गया, जबकि मैं पहले आया हूँ इतने जियोलाइट नहीं थे, ये अभी स्पॉन होना स्टार्ट हुए हैं। लेट्स गो, अब मेरे को एक बार यहाँ देखना है, यहाँ रॉकेट फेंकने के लिए और क्या क्या चाहिए मेरे को। अंदर ऑक्सीजन, ठीक है और बना लूँगा मैं। अभी मेरे को चाहिए ये लिरमा है मेरे पास, ट्री बार्क नहीं है मेरे पास, बाकी सब है मेरे पास। ट्री बार्क मेरा बन गया कि नहीं यार, मैं पूरा एक्सप्लोर करके आ गया हूँ, ट्री बार्क नहीं है अभी। ओह बन गया, एक तो उठा ही लेते हैं। ओह भाई ट्री बार्क आ गया, यूरेनियम दे देते हैं इधर अपन, ये लो भाई यूरेनियम, सल्फर देते हैं एक्सप्लोजिव में, ये लो सल्फर, और यहाँ पर आएगा अपना ये एंशिएंट प्रोडक्ट्स, यहाँ पूरा अपन एल्यूमिनियम डाल देते हैं, रेयर प्रोडक्ट्स मैंने एक जगह डाल रखे पूरे, ये देखो ये जियोलाइट जाएगा इधर, डन, और एक और चीज़ आ जाएगी ये ट्री बाग मुझे मिल चुका है। अब मेरे को इंजन बनाना है यहाँ से, एक रॉकेट इंजन मेरे पास रखा हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, मेरे को नहीं लग रहा है अब रखा हुआ होगा, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ ना यूरेनियम गिराने के लिए। अब देखते हैं बनाने को क्या चाहिए मेरे को, उसको दो यूरेनियम चाहिए और एक सुपर अलॉय चाहिए, सुपर अलॉय मेरे पास आई थिंक अब नहीं, एक है बस, ठीक है एक तो हो ही जाएगा काम, और दो यूरेनियम चाहिए जो कि मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, एक दो, ठीक है अब देखें ज़रा। ओ नाइस भाई, क्या सही टाइम पे वो रॉड मिली थी, वैसे मेरे पास है पर फिर भी, ठीक है अब मेरे को उधर उड़ाने को चाहिए, एक ट्री बार्क हो गया है, और क्या क्या चाहिए था यार, मेरे को देख के आना पड़ेगा दोबारा। ओके गाइस तो मैं फर्टिलाइजर भी बनाने वाला हूँ, जो कि एक सल्फर मांग रहा है, पर मैं लेके आ जाता हूँ सल्फर, यहाँ कहीं पड़ा होना चाहिए, कहाँ गया सल्फर मेरा, एक ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे को बाद में एक्सप्लोजिव भी बनाने हैं, उनमें भी सल्फर चाहिए मुझे। अब बस अब ये उड़ाने वाला हूँ मैं उड़ाने वाला हूँ, मुझे देखना है आखिरकार इससे होने क्या वाला है भाई, ये पहली सैटेलाइट जाने वाली है जो हमारे लिए प्लांट्स या पता नहीं क्या करने वाली है, बैक्टीरिया कुछ करने वाली है क्या, ये प्लांट रॉकेट इंक्रीज मॉस स्प्रेड, अच्छा मॉस हमारा तभी बढ़ेगा भाई, और उड़ाना पड़ेगा, ये तो प्लांट मल्टीप्लायर है ये। ओके लेट्स गो, एंड हियर यू गो भाई, देखो तो निर्मा सीट की पूरी, भाई क्या सही है ये। ओके
देखते हैं क्या होने वाला है इससे। मौसम तो अभी से चेंज हो गया भाई। ये क्या है, हीट वेव साथ में आ गई क्या? कुछ तो हुआ है। वो देखो वो गई, गायब हो गई। पर होने क्या वाला है इससे, मेरे को समझ ही नहीं आया। मौसम यार एकदम से चेंज हो गया। मैं समझता उससे पहले तो सब चेंज ही हो गया। कुछ स्प्रेड होगा कि नहीं होगा? हट बे, हीट वेव आ गई। हीट वेव क्यों आई यार? कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो हो रहा है। देखो बिजली भी कट गई क्या? ओ हाँ, ये देखो भाई, मैं बोल रहा था ना कुछ तो हो रहा है भाई। ये देखो तो क्या क्या हुआ है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है भाई हर जगह। ओहो, मैं बोल रहा था कुछ हो रहा है। नाइस वे, ये भाई मॉस है आई थिंक। ऑक्सीजन लेवल कम है मेरा, नीचे जाना ही पड़ेगा मेरे को। पर ये मॉस है भाई। वाओ, देखिए जरा मॉस कितना हुआ, 16%। और अब तेजी से बढ़ना चाहिए मेरे को, जहाँ तक लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है और भेज देने चाहिए यार मेरे को ये। ठीक है भाई, देखो तो क्या बायोमास क्या इंक्रीज हो रहा है भाई कितनी तेजी से। T2 फ्लावर स्प्रेडर आ गया अपने पास। लेट्स सी, ये है। इसमें 2 फर्टिलाइजर चाहिए, 2 सुपर अलॉय चाहिए। ये सब कुछ नहीं है मेरे पास अभी, मेरे को जाना पड़ेगा भाई एक्सप्लोरेशन पे। चलो भाई निकलते हैं अब एक्सप्लोरेशन के लिए, जो कि मेरे को जाना था इस डायरेक्शन में। एक बार सांस ले लेते हैं। अपना एक कैबिन बना हुआ है पहले से ही, ओ नाइस। और इसके अंदर भी काफ़ी, ओ भाई ऑक्सीजन रखा है, रख लेते हैं आज, आज ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है इसकी। इधर मैं अभी तक नहीं गया हूँ ना, चेक तो करेंगे भाई, क्या पता क्या सीन होने वाला है। ओह भाई पानी आ गया। ओह भाई अब तो सुंदर हो गया हर चीज़। वहाँ पर कुछ है पर वो मेरे को ग्लिच से दिख रहा है पक्का। वहाँ एक्सप्लोजन करना पड़ेगा मेरे को, और एक्सप्लोजन मैं अभी कर नहीं सकता हूँ भाई। पर क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यार, क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मैंने काफ़ी तो इम्प्रूव कर दिया यार मेरे प्लेनेट को, कुछ भी कहो तुम लोग। ये क्या है, यहाँ भी पानी इकट्ठा हो रखा है क्या? मैं पी सकता हूँ क्या? नहीं पी सकता हूँ यार, मैं पानी क्यों नहीं पी सकता हूँ? डायरेक्ट पानी पीने का होना चाहिए था यार इसमें से। एक ऐसे करा और ऐसे जाके पानी पी लिया, नहीं पी सकता हूँ। पर मैं यहाँ से निकलते पहले अपन, पर इधर कोई गुफा वुफा हो? ओह नहीं भाई, मेरे को ओपन है ये तो, पर अभी भी कुछ है। ये सब हटाने पड़ेंगे, एक्सप्लोजन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है। एक काश मुझे खाना मिल जाता। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ की बर्फ पिघल रही है। आई होप यहाँ कुछ मिल जाए मुझे। ओह ओह भाई, इतनी सुंदर जगह आके मरना नहीं चाहता मैं। ये क्या है भाई, रेनबो केव। ओह कुछ है, प्लीज खाना दे दो। नहीं है, शिट यार, खाना कैसे नहीं है भाई। पानी बह रहा है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है। एक मिनट, ये पल्सर क्वार्ट्स है ना? हाँ ठीक है, कुछ जल्दी से कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई। ये क्या प्यारी जगह है। ओके एक यहाँ पर है, प्लीज़ खाना दे दो। नहीं है खाना भाई, खाना। वापस आऊँगा गाइस, मैं यहाँ वापस आऊँगा, देखो खाना चाहिए, मैं मरने वाला हूँ क्योंकि। ये रहा एक और, प्लीज खाना। नहीं भाई, किसी के पास खाना कैसे नहीं है। केव तो बहुत तगड़ी है गाइस, कुछ भी कहो केव बहुत तगड़ी है, पर मुझे खाना चाहिए प्लीज। थोड़ा सा खाना दे दो प्लीज भाई। क्या जगह है भाई ये, वाओ। मैं इधर अभी तक कैसे नहीं आया था, पर मैं मरने वाला हूँ भाई। सारा ना पानी बहन के बह रहा है झरना, वरना एक और मिला है, लास्ट है ये, लास्ट होप है ये मेरी भाई। सीरियसली ये लोग खाना कैसे नहीं रखते हैं यार, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, पर बहुत गलत चीज़ है यार ये। क्या दिखने लगा है भाई सब कुछ,
ठीक है, मेरे पास खाना नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी मेरा लो है, तो एक बार ऑक्सीजन ले लेते हैं, और खाना तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो फटाक से कोशिश करता हूँ जितना पास अपने घर के पहुँच पाऊँ, क्योंकि मेरे को खाना चाहिए और खाना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ये रॉकेट है, मेरा घर यही है, मैं यही मरने वाला हूँ, यही स्पॉन होने वाला हूँ। आई होप इसमें खाना मिल जाए मेरे को, पर नहीं होगा। वो मिल गया, मिल गया, कहाँ गया? तो अपन यहाँ बनाने वाले हैं अपना घर, है ना, यहाँ। ठीक है, लेट्स गो। ये बनाते हैं एक, और यहाँ देते हैं एक डोर, यहाँ बनाते हैं एक अलमारी, ये है अलमारी, और इसमें रखते हैं कुछ सामान, जैसे कि ये सब। अभी तो सब रख देते भाई, मैं लेके आ रहा हूँ, और भी रुको, ये दोनों चीज़ें दे दो बस। और अब मैं जा रहा हूँ दोबारा बाहर, मज़ा आ गया। ये क्या चीज़ है, ये कुछ है तो नहीं? नहीं, चलो भाई केव में अब उठाएंगे अपन सब सामान, अब कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, अब तो भाई पूरा कर लेंगे अब तो। ये लो भाई, आने दो आने दो आने दो आने दो, आ जाओ भाई आ जाओ। काश मेरे को वो रॉड मिल जाती यार, जो रॉड मेरे को चाहिए। वो वहाँ भी कुछ है, यहाँ की बर्फ भी पिघल रही है आई थिंक, फिर मैं यहाँ भी जा पाऊँगा, यहाँ भी कुछ नहीं है। काश वो कार्ट्रेज मिल जाए मेरे को, मीथेन कार्ट्रेज कहीं से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। देखो यहाँ भी जाने के रास्ते हैं वे अंदर, ये सब क्वार्ट्ज है, पल्सर क्वार्ट्ज, जो कि अभी मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, पर मैं बाद में ले जाऊँगा इसे, क्योंकि मेरे को पता तो चल गया है कहाँ पर है। बस मेरे को मीथेन कार्ट्रेज चाहिए कैसे भी करके, एक चाहिए बस एक। इसके अंदर जा सकता हूँ क्या मैं? ओ हो हो भाई सही है, ओके नाइस। और भी झरने हैं फिर तो, मैं उनमें भी जा सकता हूँ, लेट्स सी। इसमें तो नहीं जा सकता हूँ, है ना, चेक करके देखते हैं, नहीं जा सकता हूँ अभी, नहीं जा सकता हूँ, पर ठीक है बाद में जा पाएंगे। अभी और आगे चलते हैं, इधर से आया था ना मैं, इधर भी झरने थे मेरे को यहाँ तक लग रहे। ये देखो वहाँ भी झरने हैं भाई, ब्लूप्रिंट नहीं मिल रहे, वहाँ ऊपर भी कुछ है। गिरा नहीं यार, ये कार्ट्रिज नहीं मिल रही है, बाकी सब मिल रहा है मेरे को। फर्टिलाइजर ले लूँगा मैं, हटाओ ये हटाओ ये उठाओ ये उठाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये सब हटाओ, यूरेनियम उठाओ, एल्यूमिनियम उठाओ। चलो भाई वहाँ क्या है ये? अच्छा ये बर्फ है, ओके ना, इतनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें हैं भाई, मज़ा ही आ गया ये तो मेरे को। पानी और बरसने लगा है भाई, और सोने पे सुहागा। अभी नीचे कुछ नहीं है ना, ठीक है इधर देखते हैं चल के। ये अभी तो पिघलना है गाइस, अभी तो खुल रहा है धीरे धीरे। ओहो ओहो वो हो, नाइस वे, रेनबो केव है गाइस, रेनबो केव। यहाँ पर क्या है? अच्छा बाहर निकलने का है, बाहर नहीं जाना है मेरे को अभी, मेरे को एक कार्ट्रेज चाहिए कैसे भी करके। ओके यहाँ पर मैं आया था, तो यहाँ से ये उठा लेते हैं, यूरेनियम उठा लेते हैं, और ये क्या है, पेस्टेरा सीड नहीं चाहिए, सीडियम उठा लेते हैं, और इनमें रख देते हैं सिलिका, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, हो गया ना, डन। अभी मेरे पास खाना नहीं है गाइस, मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा, मेरा टाइम हो गया, यहाँ जितना करना था कर लिया अपन ने एक्सप्लोर, अब वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। यूरेनियम रॉड उठाते हैं, सल्फर, ये भी ये हटाते हैं, पेस्टेरा सीड्स ये हटाओ, और ये भी हटा देते हैं, एक मिनट ये उठा लेते हैं, क्या ऑक्सीजन, बस अब वक्त आ गया यहाँ से भागने का फुर्ती में, बिना विदाउट एनी डाउट यहाँ से निकलना है गाइस। जब अपन को एक और केव है यहाँ, ओ भाई ओह यूरेनियम की केव, व्हाट द हेल भाई, क्या मजा ही आ गया भाई, पूरी यूरेनियम की केव है ये भाई, मजा आ गया मजा आ गया। आऊँगा गाइस मैं, यहाँ आऊँगा
चलो अभी वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। ये केव देखो यहाँ से थी और दिख भी नहीं रही थी भाई। चलो अभी अपन निकलते हैं। मेरा यार वो कैबिन कहाँ मैंने बनाया ये मेरे को और पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ से निकलना मेरे लिए बेटर रहेगा। मेरा वैसे बैग तो भर गया, मैं कुछ और कलेक्ट नहीं कर सकता और मीथेन कार्ट्रिज नहीं मिली है यहाँ पर। यहाँ से निकलते हैं, मेरे को दोबारा आना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है यार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। आ गया हूँ मैं यहाँ। नहीं बनाने की हवाला था वो तो भूल ही गया भाई इतनी खुशी में। ये रहा यूरेनियम रॉडी मिल गई ना मेरे को तो। ये हो गया, मैं सोच रहा हूँ इसकी रॉड भी यहाँ पटक दूँ। और ये सब सामान तो मेरे पास नहीं है। इरिडियम है मेरे पास तो एक्सप्लोजिव वाले में पटकूँगा मैं। ये एक्सप्लोजिव कहाँ गया, एक्सप्लोजिव का कोई सा रह ही नहीं गया भाई। सुपर अलॉय एक ही है मेरे पास, ठीक है अभी एक ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब ना इधर भग जाओ, भर देते हैं ये सब। डन। और ये है ना फर्टिलाइजर्स वगैरह इसमें जाएंगे। ओके पूरा भर दिया मैंने, ये ले लेता हूँ वापस, फूड भी ले लेता हूँ। और ये लो भाई इतना सारा लेके आ गया हूँ मैं, जगह ही नहीं है मेरे पास। ये भी दोनों ले लेते हैं। एक और रॉकेट लॉन्च कर दूँ क्या यार मैं, मेरे पास जगह नहीं बच रही है एक्चुअल में। चेक करने दो, मैं कुछ तो बनाने वाला था बढ़िया सा कुछ। ये मशीन ऑप्टिमाइजर जिसके लिए मेरे को यूरेनियम रॉड चाहिए थी जो कि मेरे को मिल गई है। तो यहाँ से अपन उठाते हैं यूरेनियम रॉड, दो एक्सप्लोजिव और क्या चाहिए मेरे को एक बार देखने दो। दो आयरन एक कोबाल्ट, दो आयरन। आयरन कहाँ है मेरे पास, आयरन कहाँ है मेरे पास, व्हाट द हेल। अरे यार कोई ना, एक काम करता हूँ मैं ना पहले तो ये एल्यूमिनियम की जगह खाली करता हूँ। और आयरन मुझे पता है कहाँ मिलेंगे क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्टर यहीं लगा रखा है तो मेरे को पता है भाई मेरे को आयरन यहीं मिलेगा। डन भाई, बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं अब तो बहुत इजीली। मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी यार यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं पहले तो अपन ये बना ही लेते हैं। तो बनाने के लिए मेरे को प्लेस करना पड़ेगा इधर ही कहीं, तो मैं या तो छत पे प्लेस कर सकता हूँ इसको, है ना। ये छत पे प्लेस कर सकते हैं अगर अपन चाहें तो, या नीचे मशीनों के बीच में प्लेस कर देता हूँ, क्या पता मेरे को ज़्यादा फायदा मिले उससे, है ना। ये देखो यहाँ कितनी सारी मशीनें लगी हुई हैं ऑलरेडी, इनके बीच में प्लेस करूँगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब देखते हैं इसकी टेंडेंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखें कितना प्रेशर दे रहा है, 17। और ये कितना दे रहे हैं, 17। कुछ अंतर आएगा नहीं आएगा। हाँ प्लेस किया है मैंने उसे, ये रहा 5 मशीन। हाँ कर दे रहे, अब जिसको ऑक्यूपाई करना कर दे, कुछ तो अंतर आया होगा पक्का। यहाँ पर देखते हैं वो भाई टन में आ गया हूँ मैं, बायोमास के टन में आ गया हूँ, ये आ गया मज़ा। और टन में आ गया हूँ तो बहुत ज़्यादा सही है मेरे को। कुछ तो चीज़ें खुली होंगी ना यार, एक मिनट चेक करने दो। ये खुला है टी, और ये खुलेगा 35 टन में। मेरा T2 फ्लावर स्प्रेडर खुला है जो कि मैं नहीं लगाया मैंने, है ना। रुको देखने दो, ये नहीं लगाया अभी मैंने। दो सुपर एलॉय, दो फर्टिलाइजर चाहिए मेरे को, दो सुपर अलॉय दो फर्टिलाइजर। इधर देखने दो, नहीं है सुपर अलॉय, एक है पर मैं सुपर अलॉय बना सकता हूँ। रुको ये और ज़्यादा चाहिए। रुको पहले तो 3 आयरन, 3 मैग्नीशियम, 3 टाइटेनियम, 3 सिलिका और 3 कोबाल्ट और 3 एल्यूमिनियम रख लेते हैं। 1, 2, 3। चलो भाई बना देते हैं अभी फटाक से सुपर अलॉय। अब नहीं बना सकता हूँ क्या, हेलो। अच्छा एल्यूमिनियम और कोबाल्ट नहीं है, अभी रख लेते हैं। कितने हो गए, आयरन एक और बना सकता हूँ, एक एल्यूमिनियम और एक कोबाल्ट। बना तो मैं और भी सकता हूँ पर ठीक है, एक कोबाल्ट अभी पर इतने काफ़ी है मेरे लिए, यूज़ हो जाएंगे और मेरे मटेरियल भी थोड़े ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो कम हो गए ना, बस ये बच रहे हैं तो इनको अपन इधर भर देते हैं। चलो ठीक है। और फ्लावर स्प्रेडर बनाने के लिए मेरे को 2 फर्टिलाइज़र चाहिए और एक फर्टिलाइज़र मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। एक फर्टिलाइज़र मैं अभी बना सकता हूँ,
ये दो बैंगन और एक सल्फर। भाई याद हो गया अब तो मेरे को। ये लो भाई एक और फर्टिलाइजर बना देते हैं। ये बन गया फर्टिलाइजर। ओके और अब निकल के बाहर लगाते हैं कुछ फूलों वाली चीज़ें। ठीक है यहाँ कुछ फूल आए कि नहीं आए? कहाँ लगाया था मैंने वो? कहीं तो लगाया था मैंने फूल वाला भी, पता नहीं। कोई ना अपन अपना लगाते हैं फूल वाला स्प्रेडर। फ्लावर स्प्रेडर लगाया था ना मैंने। चलो ये है इधर लगेगा फ्लावर स्प्रेडर। ये पूरी घाटी ना मैं भाई कर दूंगा कलरफुल। अब मेरे को देखने दो, मैंने कहीं तो लगाया था। लाइक दो दो टाइप के बोतल दिख रही होंगी ना, तो वो फ्लावर स्प्रेडर है। नहीं है ये भी। ये रहा फूल का है भाई, फूल तो आए नहीं इसमें। दिख रहे हैं क्या फूल? शायद आएंगे इन फ्यूचर। ऐसे इधर से देखता हूँ, अभी तक तो नहीं दिख रहे। ठीक है पर अब देखो गाइस, मैं ना सोच रहा हूँ एक और बार मॉस की मिसाइल छोड़ दूँ तो उससे और मॉस आ जाएंगे। पर एक बार चेक करते हैं अपन चल के कि मेरे को कितना और चाहिए अभी। चलो भाई T2 तो पता नहीं कब बनेंगे जब मीथेन आएगा। भाई ऐसा लगा बिजली कड़क गई। भाई क्या दिख रहा है यार ग्रीन ग्रीन? ओ नहीं भाई मैं मरने ही वाला होता हूँ हमेशा। भाई बारिश में अपन उड़ाएंगे अपनी मिसाइल। क्या चाहिए था मेरे को? 200 पर अलॉय लगते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय मिसाइल। देखते हैं भाई बायोमास में अंतर तो आएगा इससे। इससे ना पूरी जगह स्प्रेड हो जाएंगे और हर जगह ना घास उगने लगेगी, मतलब मॉस उगने लगेगी। जैसा कि तुम देख सकते हो ये वाली स्क्रीन पर, वो दिख रही है ना स्क्रीन, इस पे देख सकते हैं अपन मॉस होने लगी। 29% हो गई है तो थोड़ा स्पीड तो स्लो रहती है ऑब्वियसली, पर हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ एक और स्क्रीन लगाने का, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लगाऊँ कहाँ उस स्क्रीन को। ये पूरा सेटअप मैंने यहाँ जमा रखा है। अभी तो मेरे को घर चेंज करना है, ये दोनों और ये दोनों कमरे। एक हॉल बनेगा ये पूरा, ठीक है, और ये पूरा बनेगा कैबिन, है ना। और इधर मैं बढ़ा सकता हूँ वैसे कमरे अगर चाहूँ तो। देखते हैं देखते हैं, मैं कुछ करूँगा गाइस। अभी ये पूरे शायद मैं अलमारियाँ शिफ्ट कर दूँ कहीं पर, तो वो पूरा मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ। आज हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली, एक बहुत ही शानदार जगह घूम ली है। और ये देखो भाई फिर आ गई है हीट वेव और इसी के बाद गिरने वाली है मॉस थोड़ी देर में। तो ये भाई हर जगह रहने वाली है। तो अपन तो अभी घर के अंदर चलते हैं। लाइक अभी देखो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा तो ये देखो भाई दिख रहा है ना शानदार। अंदर चलते हैं अपन। अंदर आ गया हूँ मैं और अभी सब चीज़ें होने वाली हैं। ऑक्सीजन भी देखो अपना बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, 50 पे मेरा कुछ तो खुलने वाला है और काफ़ी चीज़ें अगली बार हमारी खुल जाएगी। भाई देखते हैं बायोमास भी क्या हो जाएगा, ये मैं देखते हैं डायरेक्ट अगले एपिसोड में। तो प्लीज़ लाइक कर देना यार जल्दी से और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।